नमस्कार दोस्तों, मैं एक रिव्यू लेके आया हूँ कवन टेक यूट्यूब चैनल से। अब ये मैंने मैं एक मीसो का सेलर हूँ और मैं सप्लायर हूँ, और मैंने एक आयरन बॉक्स भेजा था। जो आयरन बॉक्स आपको पता है कैसे दिखता है, और ये मुझे वैक्यूम क्लियर का हैंडल मिला था। इसको देख के मैं चौंक गया था कि कितने क्रिएटिव हो गए हैं कस्टमर्स। प्रोडक्ट ले लिया उन लोगों ने, और हैंडल को मैच करने के लिए कुरियर वाले को दिखाने के लिए, या पता नहीं किसने किया है कफला। कुरियर वाला देख के तो पैक करता है, तो कहीं ना कहीं ये शेडो फॉक्स भी इसमें मिला हुआ है। तो शेडो फॉक्स कुरियर कंपनी है, इन लोगों ने ये पार्सल मुझे ऐसे ही पैक करके वापस मेरे को भेज दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इस प्रोडक्ट को ध्यान ही नहीं दिया और हमने इसको ओपन करके देख लिया। अब हमने मीशो को कॉन्टैक्ट किया कि इस तरीके से प्रोडक्ट में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा एक क्लियर नोटिस बोर्ड में है कि आपको पैकेट्स को खोलने से पहले ही वीडियो शूट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये पूरा वीडियो शूट करने के बाद उनको भेजना है, फिर वो वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट हमें वापस मिलेगा, नहीं तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू हमें मिलेगा। बट मेरा कंसर्न ये था, अगर हम लोग 25 या 30 प्रोडक्ट, अगर हम मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 25 से 30 प्रोडक्ट मैंने मीशो में सप्लाई किया है, उसमें से 6-7 RTOs होते हैं और 3-4 रिटर्न्स होते हैं। अब सोचिए सिर्फ 30 प्रोडक्ट में ये सिनेरियोज हैं। अगर मैं कल को 1000-2000 प्रोडक्ट्स अगर मैं इनको बेचता हूँ और उन प्रोडक्ट में से ऐसा इशू आता है, और मैं सारे प्रोडक्ट्स को खोल कर वीडियो शूट करने के लिए बैठूँगा, तो मैं इसे अच्छा यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दूँ, वो बढ़िया रहेगा ना। तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ उनके साथ। अब यही चीज़ मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये एक केस आया है, फर्स्ट केस है ये। मैंने उनकी सर्विसेज को जस्टिफाई करने के लिए मैंने उनको बोला, मैंने बोला यार मैं एक सप्लायर हूँ, आप एक बार चेक कीजिए, ये कहीं ना कहीं गलती हुआ है। और ये दो रैपर थे, अगर ये रैपर अगर शेडो फॉक्स ने पैक किया है, तो शेडो फॉक्स वाले कुरियर वाले ने चेक नहीं किया कि ये एक हैंडल है, वैक्यूम क्लीनर का एक सस्ता वाला जो कार में लगाते हैं वो वाला वैक्यूम क्लीनर है, ये वो हैंडल है ये, और मेरा आयरन बॉक्स उसमें था नया वाला, और वो उड़ा लिया। अब ये चीज़ मीशो वेरीफाई ही नहीं करना चाहता। उनका सपोर्ट सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई इनको कांटेक्ट करने के लिए कोई वॉइस सपोर्ट कुछ नहीं है। अब आप इनको मेल भी करोगे ना, तो वो मेल भी बाउंस बैक आ रहा है, कहते हैं कि दे आर नॉट सपोर्टिंग एनी ईमेल्स। अब इनको एक ही तरीका है कांटेक्ट करने का, वो है मीशो के सप्लायर डैशबोर्ड में सपोर्ट में। अब सपोर्ट में जाके आप टिकट राइज करते हो, कोई भी पता नहीं, इतना महान आदमी वो पीछे बैठा रहता है मीशो के बैकएंड में, उनको पता नहीं प्रोसेस का नॉलेज है या नहीं है, मुझे पता नहीं। अब एक एस्केलेशन मैट्रिक्स भी होता है यार, एक सप्लायर ब्लीड कर रहा है, वो रो रहा है कि कह रहा है कि यार ये प्रॉब्लम हुआ है, ये स्कैम हुआ है, चीट हुआ है, तो वो अपना दर्द बता रहा है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना बनता है। ये लोग उस चीज़ को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें वीडियो चाहिए, नहीं तो ये केस क्लोज, वीडियो चाहिए नहीं तो क्लोज, टिकट क्लोज करते, मैं टिकट ओपन करता हूँ वो टिकट क्लोज करते हैं, टिकट ओपन होता है फिर वो क्लोज करते हैं, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ मेरे कैटलॉग्स लाइव थे, उसमें इन्होंने धड़ाधड़ ऑर्डर भेज दिए, और वो ऑर्डर आपको पता है तो उस टाइम लॉकडाउन है, कोई हम लोग शिप नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उसकी पेनल्टी मार दी इन्होंने मेरे ऊपर, अब वो पेनल्टी भी इतनी बेकार। अब मैं कुछ आइटम शिप करता हूँ, मैं एंड ऑफ द मंथ अगर मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या हो गया यार। अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ मेरा इनकम आया है वहाँ से, बट मैंने उसमें जो लॉस देखा है, अगर मैं दो आयरन बॉक्सेस मुझे लॉस्ट हो गया वहाँ पे, पता नहीं कहाँ पर पड़ा हुआ है, और पेनल्टी से एक लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट लाइक 1600-1700 रुपीज़ मेरा लॉस हो गया। मतलब 1000 रुपीज़ मैंने कमाया और 1700 रुपीज़ मेरा लॉस हुआ है, 700 रुपये का लॉस हो गया मेरा। तो इनसे बिजनेस करने में क्या है ऐसे, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया धीरे धीरे। इन्होंने क्या करा, रीसेलर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने सारे घर में जो वुमेंस बैठी हैं, फ्री ऑफ मार्केटिंग हो गया इनका, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी इनका हो गया। अब इन्होंने क्या करा, सीधे उन लेडीज़ को बोला कि यार तुम अपने सर्कल में बेचो, तो वो लेडीज़ भी इतनी मेहनत करती हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हैं, ग्रुप में बेचती हैं, फेसबुक सोशल मीडिया सब में, मतलब ऑन एन एवरेज सारे सोशल मीडियाज में एक्टिव रहती हैं। इतना मेहनत करने के बाद ये ऑर्डर जब इनका डिलीवरी वाला लेके जाता है, कोई भी इनका कुरियर वहाँ लेके जाता है, और वहाँ जाने के बाद क्या पता है, वो कुरियर वाला फ़ोन करके बोलता है कस्टमर को, हम मीशो से आए हैं, ख़त्म।
जैसे ही वहाँ पहुँचता है, जैसे मीशो का नाम लिया, कस्टमर कन्फ्यूज, कस्टमर उस प्रोडक्ट का रेट को वो मीशो में जाके चेक करता है और मीशो अपना मुंह फाड़ के वो रेट दिखा देता है, ये एक्स वाई जेड रेट है, और वहाँ पे रिटर्न बुक हो जाता है। क्योंकि कस्टमर इतना बेवकूफ़ नहीं है, जब ऑनलाइन वही प्रोडक्ट 150 रुपये सस्ता मिल रहा है और ये मेरे को लेडीज़ मेरे को बेवकूफ़ बना रही है और रीसेलर है वो, तो ये सोचकर वो कस्टमर भी कन्फ्यूज होके वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, रिटर्न आता है। और जब ये रिटर्न आ रहा होता है ना, उसमें हम जैसे सप्लायर्स की बैंड बज जाती है। कैसे? एक तो कोरियर वाला उसमें चीट कर देता है, पैकेजिंग जब रिटर्न आता है ना, जब हम फॉरवर्ड बेचते हैं तो उतने अच्छी तरीके से पैक कर, जब हम लोग फ्रंट पे बेचते हैं तो अच्छा पैक करके बेचते हैं, जब वो रिटर्न आता है तो कोरियर वाले उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो ये सब हमारा एक पेन है। अब ये अभी तो फेस्टिव टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है और ये इनिशियल स्टेज में ही इनकी ये हालत है मीशो का, और इन्होंने जिस तरीके से मॉडल चेंज किया है, बेचारे वो रीसेलर्स भी परेशान हो जाते हैं, उनका भी इनकम बहुत डाउन हो गया है। अब ये अभी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टीवी में डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं मीशो में शॉप करो, सीधा दुकानदार से मिलेगा। अरे दुकानदार से कैसे मिलेगा भाई, दुकानदार तो रो रहा है, दुकानदार से सीधा आप बेच रहे हो कस्टमर्स को, अपने रीसेलर्स खत्म कर दिए, रीसेलर्स का जो आप बोल रहे थे उनको नौकरी दे रहे हैं, उनको जॉब दे रहे हैं, उनको तो खत्म, अपना अपने दिमाग इसमें लगा लिया है। आई थिंक आप लोग अपना बिजनेस ढंग से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट यार रीसेलर को आपने बेवकूफ बनाया और सप्लायर को भी बना रहे हैं आप। कई सारे सप्लायर्स बोलते हैं आपके फेक ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं, और लिटरली आप लोग के फेक ऑर्डर्स बहुत, मैं अभी एड्रेस दिखाऊंगा, सिर्फ उसमें ऐसे हैं, सिर्फ नाम है, पता नहीं एड्रेस में विजय कुमार, राजकुमार, शाहरुख खान ऐसे लिखा हुआ है। अब ये थोड़ी कोई जिला नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई हाउस नंबर नहीं है, ऐसी ऑर्डर्स। और जब डाउट हो गया आपको सपोर्ट पे, अगर हम टिकट राइज करें, एड्रेस सही है करके आप टिकट क्लोज करते हो, मतलब इतनी कॉमन सेंस वाली बात नहीं है यार आप लोगों ने, मैं समझ में नहीं आ रहा है ये जो आपका मैनेजमेंट कर क्या रहा है। नवंबर से ये आप लोगों ने मैसेज तो डाल दिया, आप लोग घर बैठ जाएंगे सबके सब, ऑफिस में ही काम नहीं होता, घर में तो भाई माशाल्लाह पता नहीं क्या होगा, हम लोग कैसे आपको ट्रेस करेंगे, कैसे हमें रिस्पांस मिलेगा, सप्लायर का बस पैसा डूबेगा, और हमने डिले करा तो आप हमें पेनल्टी मारेंगे, पेनल्टी क्यों मारा अगर करके हम जवाब, जब सवाल पूछते हैं तो आप भी अगड़म शगड़म जवाब देके उस सपोर्ट टिकट को, बस आपका टारगेट रहता है कि ये सपोर्ट टिकट ना ओपन नहीं होना चाहिए, उसको क्लोज कर दो, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए टीम लीडर, उसको वेरीफाई करने के लिए एक फ्लोर मैनेजर या मैनेजर जो भी है, ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन हेड्स, ऑपरेशन वीपीज, ये पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं, इनको सप्लायर्स की कोई चिंता नहीं है। हाँ, इनके हो सकते हैं कुछ सेलेक्टेड सप्लायर्स जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको ये अच्छी तरह से इंटरटेन करें और काम करें, बट ओवरऑल जो न्यू सप्लायर्स हैं, प्लीज़ आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कुछ बेचना है तो आप डायरेक्टली सोशल मीडियाज़ में जा सकते हैं, और सोशल मीडियाज़ में थ्रू कैसे सेल करना है, डायरेक्ट कैसे आपको कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, ये सब चीज़ हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। बट ये मीशो जैसे रीसेलर ऐप से आप बच के रहिए, आपका ये नुकसान होगा। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसलिए मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि मेरे जैसे कितने लोग परेशान हुए होंगे, मुझे इसलिए बहुत दुखी फील हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब थोड़ा सोच समझ के इन प्लेटफॉर्म के साथ काम कीजिए, और मैं तो कहूँगा कि प्लीज़ ना ही कीजिए, आपका पैसा, आपका टाइम और आपका ओवरऑल सब कुछ वेस्ट होगा, आप इतनी मेहनत करेंगे उस सब वेस्ट कर देंगे ये लोग, ठीक है। एज एन बीन सप्लायर आप खुश हो सकते हैं, ऐसा आप सोचेंगे नहीं भैया रीसेलर को प्रॉब्लम है, नहीं, आपको भी वही प्रॉब्लम है, जहाँ इन्होंने रीसेलर को मार दिया, अभी धीरे धीरे रीसेलर ख़त्म हो जाएंगे, अब सप्लायर्स की बारी है, बड़े बड़े सप्लायर्स ही काम कर पाएंगे, जो छोटे मोटे नए स्टार्टअप वाले हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, थैंक यू दोस्तों, आपने इतनी देर मेरे वीडियो को सुना, और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, पेन है, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कुछ लोगों को आप जगाइए, अगर कुछ भी डाउट पूछना है या कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए, और मैं अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगा, और कुछ नई बातें भी करेंगे, और थैंक यू वेरी मच, आपने इतने देर मेरे वीडियो को देखा, और ये सिर्फ और सिर्फ जागने के लिए है, प्लीज़ इन ऐप से दूर रहिए, अपना वैल्यूबल टाइम बचाइए, और कुछ अच्छी जगह में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके पैसे कमाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।